नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग और उनकी सेवाओं का क्या हाल है, ये किसी से छुपा नहीं है। जीवनदायिनी के नाम से जाने जाने वाली 108 एम्बुलेंस सेवा की ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं, जिसको देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक और शिकायतें आती हैं कि 108 एम्बुलेंस का फोन नहीं लगा, वो आई नहीं या समय से नहीं पहुंची, जिस वजह से कभी कभी मरीजों को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। कन्नौज जिले में तैनात 108 एम्बुलेंस सेवा मरीजों को लाने ले जाने के लिए तो नहीं, पर किराए पर चलने और तेल से भरे डिब्बों को ढोने का काम जरूर कर रही है। कन्नौज जनपद के सौरिक थाना क्षेत्र में मरीजों को ले जाने वाली 108 एम्बुलेंस सेवा में तैनात कर्मचारी चंद पैसों के लालच में खुलेआम मरीजों की जगह तेल के डब्बों को भरकर किराए पर चलवा रहे हैं। जब ये तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई तो 108 एम्बुलेंस के तैनात कर्मचारी भागते और मुंह छुपाते दिखाई दिए। एम्बुलेंस चालक बड़े ही आराम से एम्बुलेंस को फर्नीचर की दुकान के ठीक सामने लगाकर तेल के ड्रमों को लोड करवा रहा है। जिस जगह मरीज को होना चाहिए वहां पर तेल से भरे ड्रम दिखाई दे रहे हैं। जब 108 एम्बुलेंस सेवा में तैनात कर्मचारी से बात करने की कोशिश की गई तो जनाब भागते नजर आए। आम जनता जब अपने बुरे वक्त में इनको फोन कर बुलाना चाहती है तो 108 एम्बुलेंस सेवा में तैनात कर्मचारी मरीजों को लेने नहीं पहुंचते हैं। फोन करने पर ये मरीज को लेने की बात अपने कागजों पर तो दिखाते हैं और उस जगह पर भी जाते हैं जहां इन्हें बुलाया जाता है, लेकिन सवाल इस बात का है, ये जाते तो हैं पर मरीजों को लेने नहीं। 108 एम्बुलेंस सेवा में तैनात कर्मचारी सिर्फ माल ढोने के लिए जाते हैं। पीड़ित जब एम्बुलेंस में देरी देखता है तो मजबूरन वो किराए के वाहन को अपने इस्तेमाल में लेता है, जबकि डायल 100 पुलिस लोगों की मदद व उनकी सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मी एम्बुलेंस का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये कार मरीजों को ले जाने वाले एम्बुलेंस का है। आपने देखा है कि एम्बुलेंस को ना तो ही डीजल मिल पा रहा है, ना ही कर्मचारी को वेतन मिल पा रहा है, इसलिए जितने ड्राइवर कंडक्टर हैं उस पे रहते हैं, वो लोग उस भड़क चला रहे हैं, सवारी बैठाते हैं कि माल ढोबा करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की बात रही है तो आपने देखा होगा, 100 नंबर फोन करिए, 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंची है और घायलों को उठा के लाती लेके अस्पताल में भर्ती कराती है, जबकि ये पूरा काम 8 वालों का है, लेकिन फिर पुलिस मदद करती है। हम पुलिस को बधाई देना चाहता हूँ कि जनता की जान बचाते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एम्बुलेंस अस्पतालों की बात करें, कभी तेल नहीं होता है तो कभी ड्राइवर नहीं होता है, ड्राइवर होता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, और सब कुछ होता है तो गाड़ी कहीं पे किराए पर चल रही होती है। ये स्थिति स्वास्थ्य विभाग की हो गई है, तो और विभागों की क्या, जब स्वास्थ्य विभाग बहुत माने रखता है, इमरजेंसी में अगर जरा सी चूक हो गई तो किसी की जान जा सकती है, ऐसी स्थिति है। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जंगल कहते, जो राम राज की बात करते थे, उन्होंने जंगल राज कायम कर दिया है, और आप देखें कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था को अव्यवस्था में बदल दिया है। ये बड़बोले लोग हैं, सिर्फ बातें करते हैं, करते कुछ नहीं। वाणी वीरों से हम तो लोग पहले कहते थे सावधान रहना, ये कर्मवीर नहीं है, ये वाणी वीर हैं, सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर वोट लेना जानते हैं, बाकी कुछ नहीं। सारी व्यवस्था एम्बुलेंस 108 और सब चौपट कर। 102-108 जिला प्रभारी कन्नौज का कहना है कि एम्बुलेंस का प्रयोग आम जनमानस की सुविधाओं के लिए होता है, किसी एम्बुलेंस को सवारी वाहन के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह का जनपद में कहीं कोई मामला है तो जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। इस मरीजों को ले जाने और छोड़ने की व्यवस्था है, अरे मेरे संज्ञान में नहीं है, ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत बड़ी अच्छी योजना है, तो मैं इनके कार्रवाई जरूर करूंगा। इस तरह के मामलों में जब कोई कैमरों में कैद हो जाता है तो ये जिम्मेदार अपना रटा रटाए डायलॉग मारकर कड़ी कार्रवाई की बात कहकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। समय बीत जाने के बाद फिर से ये अपना गैर कानूनी काम शुरू कर देते हैं और सरकार ऐसे मामलों में कोई ठोस कदम नहीं उठाती, और ये भ्रष्टाचारी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहते हैं।